हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ना रही पार्टी सदारत भी रास्ता और कोई था ही नहीं, जाने कहां गए वो दिन जब सी हुकूमत केसेस के बिन ढोल माइया हले भी ना टूटा के स्कूल माइया। क्या करे आदमी, तशीफ ला रहे वासे चौधरी। दुनिया भर में मजाक रात को देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो आप मैचिंग करके आए मेरे से। लेकिन आपने भी शर्ट क्या पहनी? नहीं सर, आज उन्होंने जो वेस्टकोट पहनी है वो है बस, इसका शेड आपकी शर्ट पे आ रहा है। अरे वाह, तुसी दोवें स्टेशन से चले जाओ, ट्रेन रोकनी जे तुसी हुण। लेकिन वासे भाई नहीं करते, सच्ची मुच्ची बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। मगर जो भी हो, आज खास तालियां होनी चाहिए हिना के लिए जो 14 अगस्त मना रही हैं अकेले। सर और वास्ते ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पहन के। मतलब उन्होंने वेक नहीं ना रहा होना। आप हमेशा जेलस होते रहते हैं मेरे कपड़ों से, मतलब क्यों? इसलिए कि मुझे ये पूरे नहीं आते, इसलिए मैं जेलस होते रहता हूँ। अच्छा, अब क्या कर क्या रहे, इतने स्मार्टू होते जा रहे हैं। स्मार्टू जहन से भी स्मार्ट है, वैसे भी स्मार्ट है। स्मार्टू क्या होता है? स्मार्टू मीन ये इंग्लिश का लफ्ज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तुम्हें अठवीं जो नशे जे अब देखो बीए कीता, एमए कीता, मैमे कीता। नहीं नहीं, है तो समझदार आदमी, बड़े पढ़े लिखे हैं जी, बहुत। एक दफा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो दो दोस्त थे, अचानक एक दोस्त कहने लगा मेरा ख्याल है कि इंजन के रास्ते निकल चलते हैं, दूसरे कहने नहीं नहीं डिग्गी के जरिए निकलते हैं। अच्छा। इन्होंने कहा मेरी बात सुनो, निकलना है जल्दी निकलो क्योंकि बारिश होने वाली है और गाड़ी की छत नहीं है। लेकिन दिल हर बंदे का रख देने माशाल्लाह, नरम दिल देने। एक लड़की को कहते कि आपकी आंखें बहुत प्यारी है, वो कहते छोड़ो ना। अगो कहते आपके बाल बहुत प्यारे हैं, छोड़ो ना। आपका रंग कितना सफेद है, अगो कुड़ी कहती अब छोड़ो भी ना, तो उन्होंने कहते इतनी देर से छोड़ ही रहा हूं। इन्हें भी मंगनी हुई थी। अच्छा जी, भाभी इन्होंने कहती बस शादी के बाद मैं आपके सारे दुख बांट लूंगी। वे कहते मैनू दुख ही कौन नहीं, कहती मैं शादी तो बाद की गल कर रही हूं। कारोबारी बहुत ने। अच्छा जी, इन्होंने पोल्ट्री फार्म खोलिया तो चेक करने वाले अफसर आ गए ने। अफसर ने एक बंदे ने पूछा तुम मुर्गियों को की पाते, वो कहते जी मैं चावल पाना, कहते गलत खुराक इन्हों अंदर कर दो। एक ने पूछा तू की पाना, कहते जी मैं बाजरा पाना, कहते गलत खुराक इन्हों अंदर कर दो। एक घबरा गए ने अफसर, इन्होंने कहता तू की पाना, कहते जी मैं मुर्गियों को 20 रुपए दे देना जो मर्जी खा लो। क्या बात है, लगता है आप लोग बहुत मूड में आज। आज बहुत सर। जी सर, अच्छा, आज तैयारी में है सर। तो फिर आपके लिए मेहमान बुलाते हैं हम, ताकि आप हम सब का मजा भी दुबला कर दें। हमारे पहले मेहमान जो है ताल्लुक है उनका तहरीक इंसाफ से, और है ना आप खुश हो जाएं क्योंकि आ रहे हैं मियां वाली से, वो खास तौर पे आए हैं हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। जनाब मैंने फ्रॉम पीटीआई फ्रॉम मियां वाली, आप सबकी तालियों में जनाब अमजद अली खान न्याजी। और अमजद साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान एक एक्ट्रेस जिन्होंने तालीम हासिल की टेलीविजन और थिएटर की और उसके बाद इस फील्ड के अंदर आई, आप सबकी तालियां, मोहतरमा ज़ैनब अहमद। इलेक्शन के मौसम आ गए हैं, बैलेट बॉक्स भी घबरा गए हैं। वोट डलेगा किसको और निकलेगा किसका, वोट डलेगा किसको और निकलेगा किसका, बस यही बताने के लिए ज़ैनब जी और नियाजी साहब आ गए। सर मेरा शेर आज न्याजी साहब के लिए, पीटीआई का शेर है। पीटीआई का शेर, मैंने उसे जितनी भी वफा की उसने उतनी ही बेवफाई की। क्या बात है, मैंने उससे जितनी वफा की उसे उतनी ही बेवफाई की है, इस मर्तबा बनी काला कितनी सलामी दी है। जो लाइफ होती है उसमें उतार चढ़ाव, जिंदगी का जो है दुख और सुख, खुशियां
और हंसी गम जो है ये एक मिक्सचर होता है। तुसी जीत के खुशियां मनाओ, तुसी हार के मनाई जांदे जे। देखे हार और जीत दोनों जिंदगी के साथ साथ चलती है। अच्छा जी, तो ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती है इंसान के ऊपर। इमरान खान साहब ने इन्हें इलेक्शन से पैसे नहीं लाए जिन्हें वाजे वाले नु देते। असि सिर्फ पूछना चाहते हैं कि सादगी से शादी करते हैं। सादगी से किया, बहुत सादगी से करते हैं, फिक्के चावल पकाते हैं। ये तो अब वैसे जिन्होंने खाए उनको ही पता होगा ठाकुर साहब। मगर नाई साहब, आप एमएनए हैं मियां वाली से, खान साहब का गढ़ जिसे कहते हैं, और आखिरी शहर भी है तकरीबन वो पंजाब का, उसके बाद केपी शुरू हो जाता है। तो बड़े कम एमएनए नजर आते हैं हमें पीटीआई के जो के पंजाब के अंदर हों, तो अकेला फील करते हैं कभी कभी आप? नहीं, आप जो साथ हैं। मैं? अच्छा, तुसी मोती हुंदे हो? नहीं नहीं, मैं तो इत्थे हूं ना। तो मुझे ये बताएं कि मियां वाली के बारे में एक जो पोलिटिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि खान साहब की वो होम ग्राउंड, और खान साहब वहां से इलेक्शन हार गए थे बिकॉज खान साहब ने सीट दी, और उस पर बड़ा फड्डा भी हुआ था 2013 के अंदर कि देनी किसी और को थी या कोई और एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको मिल जाएगी, और खान साहब ने किसी और को दे दी, और इस चक्कर में नून लीग वाले जीत गए वहां से। देखिए, इसके ऊपर काफी सारी डिबेट भी हो चुकी है, और आपके इल्म में कि जब वो स्टार्ट था 2013 के इलेक्शन के बाद, जब हम नेशनल असेंबली में हमने बात की कि किस तरीके के साथ इलेक्शन प्रोसेस है और इस प्रोसेस को किस तरह रोकना है, धांधली का मसला था, बहुत सारी रिगिंग थी, गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जो कुछ मियांवाली के अंदर किया वो भी तारीख का हिस्सा है। मैं उस इलेक्शन कंपेन का इंचार्ज भी था, और आपके इल्म होना चाहिए कि जो कुछ वहां पे हुआ, और वो खुद उन्हें नहीं, जो जीतने वाला है उसे खुद नहीं पता था कि मैं जीत रहा हूं। इस वक्त के हालात के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए, खान साहब खुद लड़ रहे हैं ना। अच्छा, खुद इस बार आएंगे मियांवाली से? मियांवाली से खुद लड़ रहे हैं, खुद बजाते खुद इमरान खान साहब खड़े होंगे। चलिए, ये तो मियांवाली के लिए एक अच्छी खबर है। कराची से भी लड़ रहे हैं, मियांवाली से भी लड़ रहे हैं, लाहौर से भी लड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से, पूरे पिशावर से भी कर रहे हैं। फिर वही बात सर के चार जगह में से एक पिंडी तो खैर उनकी सीट थी, होपफुली वहां से भी वो दोबारा कंटेस्ट करेंगे जो उनको एक सीट मिली हुई थी। तो ये पांच छह हल्के हो गए, तो अब खान साहब आखिर में रिटेन तो एक ही कर सकते हैं, फिर चार जो है खाली करेंगे, वो अजीब सी स्ट्रैटेजी नहीं है ये वैसे? नहीं, देखिए, आपने जिस सूबे के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपने एक मैसेज देना होता है कि हम उसकी आवाम के साथ खड़े हैं, उस सूबे की आवाम के तो साथ। फिर कोयटा भी जाए ना? देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी। नहीं, मगर आपके ख्याल में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाएं तो कोई मजाक है, पेशावर, लाहौर, कराची हो गया तो कोयटा। देखिए, बात यह है कि देखिए, आपने एक खान साहब की जो शख्सियत है वो एक स्टेटमेंट की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, साउथ एशिया में उसकी आप देख लें फॉलोइंग जितनी है। अगर खान साहब स्टेट बैंक है तो इसहाकदार साहब क्या होंगे? इसहाकदार साहब तो अभी वर्ल्ड बैंक है, वो तो बिस्तर पे पड़े हैं। नहीं, अभी तक वो उनके जो सर्टिफिकेट आ रहे हैं। देखिए, आप ये खुद बैंकों वाली बातें कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा कि एटीएम का क्या हाल है तो आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, आप पहले उनकी एटीएम का पता करें। उनका एटीएम कौन है आज बताएं तो सही ना, कभी ना कोई बोलता पीटीआई में से एटीएम निकल आती है, लंदन से एटीएम निकल आती है। वो तो खुद वो तो उन एटीएम्स की बात करें जो उन्होंने खुद लगाई हुई है, जो मिलती हैं वो वाली की बताएं ना। वो आप मुझे बता दें सर, मैं कहां से, आप एमएनए, आप बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे, आप पीटीआई के अंदर आप बताएं कि उनका जहांगीर तरीन कौन है, मुझे बताएं। आज चीमा भी निकल आया। चीमा एटीएम है? वो भी तो एटीएम की हैसियत, वो सिर्फ मशीन है। जनाब, एक्टिंग तो लोग आराम से कर लेते हैं, आपने खास तालीम हासिल की एक्टिंग की? आई थिंक एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक कि मैं अभी तक सीख रही हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती। सीखने का अमल तो चलता है, मगर ये कोई खास प्लान का हिस्सा था कि पहले आपने पढ़ाई करनी है, एक पूरी चार साल की डिग्री लेनी है एंड देन यू गोइंग टू कम इनटू दिस? पहले मैंने थिएटर शुरू किया था, पहले थिएटर शुरू किया था। मैं 14 साल की उम्र में मैंने थिएटर शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर वहां से मुझे चस्का लग गया एक्टिंग का। ठीक है, और मैंने सोचा कि इसमें मजीद तालीम हासिल करनी चाहिए। फिर उन्होंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद तालीम हासिल होती है, तो फायदा हुआ है इस डिग्री का या नहीं? नहीं। डिग्री का फायदा नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉपर एक्टिंग स्कूल्स नहीं है। व्हाट आई स्टडीड वाज थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज, दैट वाज अ वेरी थियोरेटिकल डिग्री एंड अ वेरी टेक्निकल डिग्री, लेकिन एक्टिंग पर से अनफॉर्चुनेटली मुझे सही तरह से सीखने का मौका नहीं मिला। जनाब, सब छोड़ दो, हम अपनी जिंदगी कहीं और बसर करते हैं। चलो, मतलब
आप एक्टिंग छोड़ के कहीं शादी कर लो, मैं कहीं और कर लेता हूँ। आप ये कहाँ से बीच में आ गए, हम कहाँ से आ गई बात बीच? सर दरअसल मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और तुसी उन्होंने इंज किया, तुसी पीपल्स पार्टी वाला तीर लाया नाल। मगर आप ये ना कहिए, देखिए आपको पता नहीं, आपको इल्म नहीं है इन साहब का, ये सीरियस ले लेते हैं बात को। अच्छा जी जी हाँ जी, मैं तो रोन ला पैना जी। देखिए मेरी बात सुनना चाहना, इन शरीकों की बातों पे ना जाओ, मैं तो आपको पसंद करता ही हूँ। आई डोंट ब्लेम यू, आई लव यू टू। वैसे आपके वालिद साहब भी सियासत में थे और काफली के साथ गालिबन उनकी बहुत, ही वाज मिड मिनिस्टर इन द काफली गवर्नमेंट एज वेल, तो काफली की तरफ कोई रुझान नहीं हुआ? नहीं। क्यों? इन्होंने साइकिल ही चलाना अंदर यार। और वैसे भी खान साहब जो भी बात करते हैं वो सच पर मबनी होती है, लेकिन 10 महीने बाद ने। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, तेरे डिनर के लिए एहतमाम क्या क्या है, स्वीट डॉल पर इंसेंस का बाबा की रानी, बता के तेरा फेसबुक पे नाम क्या क्या है, ये लूट मार करप्शन के चोर बाजारी, डीजे देख यहाँ पे लगाम क्या क्या है, क्या क्या है। हाँ तुहाडा बहुत वड्डा फैन है जी, तुहानू बहुत लाइक करदा जी मैं। तुहाडे ड्रामे मैं इंज वेखदा जिवें गरीब और धुप्पे बह के जुआं वेखदी है।